और एक बड़ी जबरदस्त बात कही नेताजी ने। उन्होंने कहा हमने टेंस को तीन पार्ट में किया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बड़ी प्यारी बात, ग्रामर से अध्यात्म को जोड़ दिया, इंग्लिश ग्रामर, पास्ट। आप यहां से सिर्फ सीख सकते हो, उस पर सोच नहीं सकते, सिर्फ सीख सकते हो, सिर्फ उसको बदल नहीं सकते, उस पर रो नहीं सकते। और अगर उसे निरंतर याद करते हो तो तुम्हारा प्रेजेंट, क्या वर्ड है प्रेजेंट, प्रेजेंट का एक मतलब गिफ्ट भी होता है। कितना मैंने उसे प्रेजेंट दिया, तुम बर्थडे में मुझे क्या प्रेजेंट दोगे, प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट। सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि जिसने प्रेजेंट में जीना सीख लिया उसका फ्यूचर महान हो गया। यहां तुम कुछ कर नहीं सकते, यहां कर सकते हो, यहां तुम कुछ कर नहीं सकते, यहां कर सकते हो फ्यूचर में, लेकिन ये फ्यूचर की जो धारा है वो प्रेजेंट से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा, बहुत सारे युवाओं से मुलाकात होती रहती है लगभग ऑल ओवर इंडिया में, वो इस बात को लेकर परेशान है कि ध्यान शुरू करेंगे बड़ा टाइम लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। कहते योग शुरू करें, 27 साल उम्र हो गई, तो कौन सी उम्र हो गई, तो कौन सी उम्र हो गई, 30 साल उम्र हो गई, तो परिवर्तन की कोई उम्र नहीं होती। परिवर्तन की कोई उम्र नहीं होती और पूरा जीवन तुम्हारा मन पर चलता है, पूरा। मन को बाहर कर दो, जीवन खत्म। तुम्हारा पूरा जीवन, लाइफ का एक एक पल मन के सहारे चलता है, और अगर वही कमजोर हो गया तो बोलते प्रेजेंट। ध्यान भी तो यही है, प्रेजेंट में रहना।